नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके विरोधी पलटू राम कहकर बुलाते हैं। इसका कारण तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने बीते 8 सालों में कितनी बार बिहार में अपना अलायंस पार्टनर बदलकर सरकार चलाई है। नीतीश कुमार फिलहाल विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनके दौरों से इस गठबंधन को एकजुट करने की कवायद भी खूब हुई, लेकिन आज नीतीश बाबू ने कुछ ऐसा खेला कर दिया जिसके बाद फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि वो एक बार फिर पलटी मार करके एनडीए का दामन थाम सकते हैं। दरअसल आज हरियाणा के कैथल में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोक दल का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जाने के बजाय पटना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होने पहुंच गए। सुशासन बाबू के इस कदम को सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा और इसके कई मायने भी निकाले जाने लगे। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जबकि बिहार में आमतौर पर कैबिनेट की जो बैठक है वो मंगलवार को होती है। इससे पहले नीतीश कुमार रविवार को जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और फिर यहां से वो राबड़ी देवी के आवास पर चले गए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी जयंती के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे, वो सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे थे। बीजेपी की स्थापना के समय से ही वो इसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनकी जयंती पर बीजेपी हर साल बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करवाना चाहते हैं। बीते साल तो नीतीश कुमार चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को फतेहाबाद में हुए कार्यक्रम में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं आए। नीतीश ने हाल ही के कई दिनों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर आयोजित किया गया था, उसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई थी और दोनों नेताओं में गर्मजोशी भी देखने को मिली थी। इसके बाद केंद्र के 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को 3,884 करोड़ रुपए की राशि देने की अनुशंसा कर दी थी। कुछ समय पहले जब इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग शरद पवार के घर हुई थी, तब जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वो बीमार हो गए थे। हालांकि नीतीश कुमार से आज जब इस मीटिंग को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने इन तमाम अटकलों को नकारते हुए कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगे रहे, कौन क्या कहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने के संकेतों पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।